महापौर निर्मल कोसरे ने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पारंपरिक खेल और खान पान के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार यहां के पुरातन संस्कृति से नई पीढ़ी को अवगत कराने निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार के इस प्रयास को भिलाई चरोदा में साकार करने कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। महापौर निर्मल कोसरे ने यह बातें निगम सभागार में राजीव मितान क्लब के पदाधिकारियों की बैठक में कही। निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में निगम क्षेत्र में गठित सभी राजीव मितान क्लब के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित थे। महापौर ने सभी पदाधिकारियों से आगामी दिनों में क्लब के माध्यम से होने वाले गतिविधियों पर विचार विमर्श कर आवश्यक सुझाव दिए। महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लुप्त हो रही छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति खेल व खान पान को नई पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए राजीव मितान क्लब का गठन किया गया है। क्लब के सदस्य छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी योगदान दे रहे हैं, जिससे आम आदमी तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आसानी से पहुंच रही है। आगामी दिनों में हरेली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन गेड़ी चढ़ने की परंपरा रही है। आज राजीव युवा मितान क्लब के हमारे 40 वार्ड के अध्यक्ष सचिव की आज मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजीव युवा मितान क्लब का जो एक वृहद सोच के साथ इनकी जो शुरुआत छत्तीसगढ़ में की है, हमारे युवा काफ़ी उससे उत्साहित हैं और इस राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की जो विभिन्न योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको अंतिम लोगों तक पहुंचाने के लिए कारगर भी साबित होंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के खान पान है, छत्तीसगढ़ के खेल है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इसको निखारने का एक बहुत ही अच्छा टीम के रूप में राजीव अभिमान क्लब काम करेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज सबको मीटिंग ली गई है, कौन कौन से कार्यक्रम आपको करने होंगे और कैसे आपको एक्टिविटीज होगी, इनकी जानकारी आज दी गई। बहरहाल इस परंपरा को भिलाई चरोदा में उत्साह के साथ निभाया जाएगा। इसमें राजीव मितान क्लब के सदस्यों की अहम भूमिका रहेगी। कार्यक्रम में MIC सदस्य पार्षदगण एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।